मतलब डेफिनेटली मेरी तरफ से ना एकदम बिग का सबसे सस्ता कॉर्ड सेट है। हेलो एवरीवन, सो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे शॉप मेनिया। आज की वीडियो स्पेशल नवरात्रि के लिए होने वाला है। अगर आप नवरात्रि के लिए कुछ डांडिया के लिए कुछ अफोर्डेबल और अच्छी आउटफिट्स फाइंड आउट कर रहे हो ना, ऐसे में चार कॉर्ड सेट लेकर आई हूँ जो एक्चुअली डांडिया के लिए एकदम एप्रोप्रिएट है। तो वीडियो पूरा देखना और मुझे बताना कि आपका सबसे फेवरेट कॉर्ड सेट कौन सा रहा है। आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं हूँ दिवाली, आप देख रहे हो शॉप मेनिया। यहाँ को जो भी ड्रेसेस लाई हूँ अबाउट 600 के कोई भी नहीं है, अंडर 600 ही है। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन मैं एक बार दिखाती हूँ। फर्स्ट आउटफिट जो मेरा फेवरेट है, इवन तो मेरा सभी फेवरेट है, मैं यहाँ ओपन कर चुकी हूँ सभी बिकॉज 7 days का रिटर्न पॉलिसी होता है, इसीलिए मैंने चेक किया है। सो यहाँ मैं फर्स्ट आउटफिट दिखाती हूँ और ये सबसे ज़्यादा ही प्यारा है। मतलब डांडिया या नवरात्रि के लिए ना इससे अच्छा आउटफिट हो ही नहीं सकता। सो मैंने इसे ना, ये है कुर्ता और पैजामा, एग्जैक्टली धोती कुर्ता टाइप, पर इतना सुंदर है ना कि क्या ही बोलूं। मुझे कॉस्ट किया था अराउंड 450, मैंने लाइव सेल के दौरान लिया था। विदाउट लाइव सेल इसकी प्राइजेस हैं 600 के आसपास, लेकिन ये हमेशा ना लाइव पे आता रहता है तो एक बार जरूर से जरूर चेक करना। पहला आपको कुर्ता दिखा देती हूँ, आपको ये कॉलर नेक मिल जाता है, चेस्ट पे इस तरह से डिटेलिंग मिल जाती है। एग्जैक्टली ये देखो ना, इतनी सुंदर इतनी प्यारी है ना कि क्या ही बताऊं। 3/4 हैंड मिल जाता है, हैंड के कॉर्नर पे आपको ये नेट की डिटेलिंग मिल जाती है। कुर्ते का ना लेंथ बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। इसका मटेरियल प्योर कॉटन में मिल जाता है, इस तरह से प्रिंट मिल जाता है। मेरे पास ना ऐसी सेम एक ड्रेस मिंत्रा से थी, बट उसके पास है ना, मतलब उसमें ना ये डिटेलिंग्स नहीं थी, अदरवाइज ये डिजाइन विजाइन सब सेम था और उसका कलर थोड़ा सा डार्क था। इस कुर्ता सेट को सबसे ज्यादा डिफरेंट दिखाने में ना ये हेल्प करता है और ये नवरात्रि के लिए एकदम एप्रोप्रिएट है। तो अगर आप डांडिया खेलने वाले हो या नवरात्रि अटेंड करने वाले हो तो डेफिनेटली ये कुर्ता सेट जरूर से जरूर बाय करना। आपको बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं होगा इसे खरीदने के बाद, क्योंकि इतना ज्यादा सुंदर है। तो ये है आपका फ्रंट लुक, और फ्रंट लुक पे आपको इस तरह से ये ना कॉलर नेक के जस्ट बाजू में ना सिर्फ एक बटन आपको फंक्शनेबल मिलता है, बाकी ये दो बटन है ना सिर्फ ऐसे ही है, फॉर्मली है, बट एग्जैक्टली आपको इसे यूज नहीं हो सकता, ये दोनों ही अटैच्ड है तो इसे अपन ओपन नहीं कर सकते, बस एक ही फंक्शनेबल है, ठीक है। फिर ये आपका कुर्ता लेंथ है, फ्रंट एंड बैक सेम प्रिंट मिल जाता है। फिर आती हूँ पिजामा पे, तो पिजामा भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, आपको ये जिगजैग के पैटर्न में आ जाता है, ठीक है। ये है आपके इस पजामा का सबसे हाइलाइटिंग पॉइंट जो है ना, इसके नीचे जो आपको यहाँ मिलता है ना, इस पे भी आपको इस तरह से ये ना डिटेलिंग्स मिलती है। मतलब यार, मतलब इसने दिल जीत लिया है नवरात्रि के लिए। मतलब मैं बार बार कह रही हूँ कि ये नवरात्रि के लिए सबसे बेस्ट है, और आपको 450 रुपये में इससे कम कोई चीज़ नहीं मिल सकती। लेकिन हाँ, अगर आप लाइव सेल के दौरान नहीं देख रहे हो ना, अगर नॉर्मल भी देख रहे हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां भी आप क्लिक करके देखना। आपको इसमें और भी 3-4 पैटर्न है, बट मुझे ये अच्छा लगा था तो मैंने ये खरीद लिया, ठीक है। इस तरह से आपको डिटेलिंग मिल जाती है। ये ना पूरा जो ये सेल है ना, आपके पैर के नीचे ना ऐसे पायल की तरह ना लटकता है तो बहुत सुंदर दिखता है। तो यह फ्रंट लुक, ये हो गया बैक लुक, एंड यहाँ आपको नीचे इस तरह से डिटेलिंग्स मिल जाती है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसे जरूर से जरूर खरीदें। अगर आपको कुछ डिफरेंट लुक अचीव करना है ना, तो डेफिनेटली इसे जरूर से जरूर बाय करना, बहुत प्यारा है। अच्छा, एक चीज मैं इसमें बताना भूल गई, ये जो साइज है ना, मैंने लिया था एम साइज, बट ये बहुत ज्यादा टाइट है। मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मतलब माइनरली मुझे थोड़ा सा टाइट है। मटेरियल कॉटन है, मे बी इसे धोने के बाद और श्रिंक हो, तो इसीलिए मैं इसे एल साइज में एक्सचेंज करूंगी। तो अगर आपका जो भी साइज है, सिर्फ एक साइज अप करके लेना। फिर आती हूँ सेकेंड, ये जो मैं ऑलरेडी पहन रखी हूँ, ये भी बहुत प्यारा कॉर्सेट है। ये नवरात्रि के हिसाब से ना, जो एक्चुअली चटक कलर जो होता है ना, एक्जैक्टली नवरात्रि में स्पेशली वो पहना जाता है हाईलाइट होने के लिए। सो ये भी बहुत अच्छा एक कॉर्सेट हो सकता है, कंफर्टेबल विदाउट दुपट्टा, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहना चाहते हो ना तो उसे पहन सकते हैं। अदरवाइज आप इसे ऑफिस वेयर के लिए, कॉलेज वेयर के लिए या रेगुलर वेयर के लिए भी पहन सकते हो। इसने मुझे कॉस्ट किया था अराउंड 500 के अंडर है, जो भी प्राइस होगा स्क्रीन पे दिखा दूंगी। यहां आता है आपको ये पूरा ना कुर्ता और पैंट दोनों ही कॉर्ड सेट है, एग्जैक्टली तो दोनों ही सेम प्रिंट पे मिल जाता है। कॉलर वाला नेक मिल जाता है, ये थोड़ा सा पॉलिएस्टर टाइप में है तो गर्मी होती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, कंफर्टेबल है, आप ले सकते हो। मैं यहाँ ट्रायल हॉल डाल दूंगी, आपको सिर्फ इस पे एक ही बटन फंक्शन, इवन द बटन
इसमें एक्चुअली बटन नहीं है, इसमें जो भी बटन है ना वो फंक्शनेबल नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये है इतना, ये नेक एरिया है ना सिर्फ इतना ही ओपन है, तो आपको इसी में से ही आपको अपना सर डालना है। 3/4 हैंड मिल जाता है, मैंने यहाँ ऊपर कर लिया है, ठीक है। 3/4 हैंड मिल जाता है। कॉर्ड सेट का मटेरियल भी बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल, आप इसके लिए भी जा सकते हो। तो मेरी तरफ से बिग थम्स अप है, इसके लिए भी आप इसे ले सकते हो। फिर आती हूँ तीसरा कॉर्ड सेट पे, और इसने ना मैंने इसे जैसे ही ओपन किया था ना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऐसा आएगा, बट यार मतलब सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत प्यारा सा कॉर्ड सेट है। एंड ये है ना उनके लिए है जो ऊपर की कुर्ता छोटा नहीं बड़ा पहनना पसंद करते हैं और उनके लिए कॉर्ड सेट चाहिए वो देख रहे हैं, तो डेफिनेटली इसे बाय करना। कलर भी बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, और मैंने इसे इसका शॉर्ट्स वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है मेरे चैनल पर, इसलिए मैंने इसे ओपन किया था। सो नवरात्रि के लिए हिसाब से भी आप इसे पहन सकते हो, कुछ एक्सेसराइज कर लें, ठीक है। आप इसको कोई भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज के साथ इसे पहने, बहुत प्यारा दिखेगा। फिर आती हूँ, चलो थर्ड। सो यहाँ आपको ना सेम चीज, एक चीज है कॉमन, जितने भी मैं आपको दिखा रही हूँ ना सब में कॉलर एक कॉमन चीज है, फिर चाहे वो कुर्ता सेट हो चाहे ये सभी कॉर्ड सेट्स हो, सबके में कॉलर एक कॉमन चीज है। तो फिर आती हूँ यहाँ, यहाँ मैंने इसे साइज किया था एम साइज पर, बहुत ज्यादा परफेक्ट है। ये भी एम साइज का है और ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी आपका जो ट्रू साइज है उसी पे जाना, ठीक है। फिर आती हूँ इसके नेक एरिया पे, आपको इस तरह से कॉलर मिल जाएगा, 3/4 हैंड मिल जाएगा, इस तरह से आपको ब्लॉक प्रिंट मिल जाती है जो एग्जैक्टली बहुत ज्यादा है। ये कम और प्योर कॉटन है, प्योर कॉटन मतलब आप इसे कितनी भी गर्मी के हिसाब से पहनो ना, मतलब इतना, और ये ना आपका पसीना सोखेगा भी, तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। ऑफिस वेयर, कॉलेज वेयर या रेगुलर वेयर या मार्केट में कहीं भी जा रहे हो, अगर आप डिनर के लिए जा रहे हो तो स्पेशली ये बहुत प्यारा सा कॉर्ड सेट है, इसे जरूर से आप अपने वार्डरोब में इंक्लूड करना, ठीक है। फिर आती हूँ इसकी सभी डिटेलिंग्स पे, तो यहाँ एक जो है ना ये खाली एक बटन है, एग्जैक्टली ये फंक्शनेबल भी नहीं है, ऐसी ओपन है। फिर इसके नीचे जो भी आता है सब बटन फंक्शनेबल नहीं है, ये हाई एंड लो पैटर्न में मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत माइनर सा है, हाई एंड लो पैटर्न में मिल जाता है। साथ ही साथ आपको ये थोड़ा सा ना ऐसे यू शेप में मिल जाता है नीचे से, तो थोड़ा अच्छा है। जो ट्राइम हॉल में आपको मैं दिखा दूंगी एग्जैक्टली, फ्रंट एंड बैक सेम प्रिंट है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है अगर आप इसे लेना चाहते हो तो। फिर आती हूँ पैंट पे, सेम चीज, सेम डिटेलिंग, सेम प्रिंट में आपको मिल जाता है, पैंट भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है, प्योर कॉटन में मिल जाता है और एंकल लेंथ तक है इसका पैंट, बहुत प्यारा है। मतलब मुझे ना ये कॉर्ड सेट भी बहुत प्यारा लगा, मतलब डेफिनेटली मेरी तरफ से ना एकदम बिग थम्स अप है ये तीनों के लिए। फिर आती हूँ 4th वन पे, जो कॉर्ड सेट है ये ना स्पेशली उनके लिए है जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, ऊपर का क्रॉप टॉप और नीचे का हाई वेस्टेड पैंट टाइप में, एग्जैक्टली उसी टाइप का ही कॉर्ड सेट है और ये हॉल का सबसे सस्ता कॉर्ड सेट है, मतलब अराउंड 300 के आसपास ही मुझे मिला था, अंडर 300, नॉट एग्जैक्टली अराउंड, अंडर 300, 282 रुपीज के आसपास का ये कॉर्ड सेट है, मतलब सीरियसली इतना सस्ता ये कॉर्ड सेट है ना, और अच्छा भी है। इसमें कलर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है, आपको कौन सा कलर ऑप्शन लेना है आप ले सकते हो। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे चटक चटक कलर ले चुके थे तो सोचा एक लाइट कलर तो डेफिनेटली बनता है, सो मैंने यहाँ लिया है ये वाला, ठीक है। चलो स्टार्ट करती हूँ। यहाँ आपको कॉलर नेक मिल जाता है, जैसे मैंने कहा कि ये हॉल का कॉमन है कॉलर नेक। फिर आती हूँ नीचे साइड पे, ये है क्रॉप टॉप टाइप में, मतलब क्रॉप शर्ट एग्जैक्टली, ठीक है। और यहाँ ये देखो, यहाँ आपको दो बटन मिल जाते हैं, बस इतना ही है। फिर बलून स्लीव्स मिल जाता है, इस तरह से आपको पूरा प्रिंट मिल जाता है। ये भी नवरात्रि अप्रोप्रिएट आउटफिट्स हैं, आप इसे पहन सकते हो, कंफर्टेबल और अच्छा ही चीज ढूंढ रहे हो तो आप पहन सकते हो, ठीक है। फ्रंट ये लुक है, बैक भी सेम लुक है। फिर आती हूँ पैंट पे, और पैंट की साइज ये है, मतलब ये हाई वेस्टेड पैंट टाइप में है तो आप इसे ना अच्छे से पहन सकते हो, सेम चीज है, अंकल लेंथ तक इसका पैंट आ जाता है। इसका मटेरियल है ना कॉटन, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्या है। तो फिर मैं आती हूँ पैंट पे, यहाँ आपको ये फुल्ली इलास्टिक मिल जाता है, साथ ही साथ इसमें आपको नॉट भी मिल जाता है। फिर ये सेम प्रिंट है जो आपको शर्ट पे मिलता है, एग्जैक्टली सेम प्रिंट है, क्रश्ड मटेरियल होता है ना एग्जैक्टली वो टाइप का है।
तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसमें तो फिर आपका जो भी एक्चुअल साइज होगा आप लेना। मैंने इसे ना दो साइज अप में गई हूँ, मैं एक्सेल साइज में मंगाई हूँ, थोड़ा सा बहुत ज्यादा लूज के लिए। अदरवाइज आपका अगर आप लूज नहीं चाहते हो का एकदम बॉडी फिटेड चाहिए तो आप एक्चुअल साइज पे जाना। शर्ट आपको लूज मिलेगा पर पैंट आपको नॉर्मल एग्जैक्टली जैसे फिटेड होता है ना वैसे ही मिलेगा। तो मुझे दोनों ही लूज बहुत ज्यादा लूज चाहिए था। सो ये मैंने आपको चारों कॉर्ड सेट बताया है जो मेरा फेवरेट रहा है। सभी कॉर्ड सेट मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं और एक्चुअली सभी एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। नवरात्रि फेस्टिवल के एप्रोप्रिएट तो है ही है ये, साथ में आप इसे कभी भी कहीं भी पहन सकते हो। एक ये सिर्फ कुर्ता पिजामा जो है मैंने आपको दिखाया था पटियाला, वो आप थोड़ा सा फेस्टिव वेयर में पहनो तो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज बाकी सभी आप रेगुलर वेयर में भी पहन सकते हो, ऑफिस कॉलेज कहीं भी जा रहे हो, गेट टुगेदर या अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहे हो, सो डेफिनेटली इसे पहन सकते हो। मेरी तरफ से बिग थम्स अप है सभी के लिए। फिर साथ में साथ एक दिखा देती हूँ नवरात्रि एप्रोप्रिएट जूती, जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको डेफिनेटली लेना चाहिए और नवरात्रि के लिए तो स्पेशली लेना चाहिए। ये जूती मैंने खरीदी थी ऑलमोस्ट 2-3 महीने पहले ही खरीदा था, स्पेशली वीडियो के लिए ही खरीदा था। तो इस तब मैंने जब इसे खरीदा था ना ये मुझे कॉस्ट किया था अराउंड 285 के आसपास, लेकिन अब इसकी प्राइसेस कम हो चुकी है, ये अभी 180 या 170 रुपीस के आसपास है। बट यार मतलब सीरियसली बहुत प्यारा है। इसमें दो कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक लाइट पिंक में मिल जाता है और एक ये वेरी बहुत लाइट लाइट ग्रीन कलर है एग्जैक्टली, और ये से प्रिंट मिल जाता है आपको इस तरह से, यहाँ घूंघर मिल जाता है, ये बचता नहीं है बहुत ज़्यादा, बस ऐसे एक शोपीस के लिए, बट बहुत अच्छा है। इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। आप इसे मतलब उतना पहन सकते हो जितना आपकी ज़रूरत हो उतना ये चल सकता है, पर मैंने इसे बाहर रेगुलर वेयर के लिए नहीं लिया है। तो रात्रि के लिए ले लो ना तो डेफिनेटली इसे लेना, बहुत प्यारा है। अच्छा ये स्पंजी वाला नहीं है, हाँ मतलब ऐसे एक एक जूतियाँ होती है ना जो ज़्यादा कम्फर्टेबल होती है तो एग्जैक्टली वैसा नहीं है, ये बहुत कड़क वाला है बट आप इसे पहन सकते हो। मेरा साइज है 5, वैसे बिग थम्स अप सभी चीज़ों के लिए है। आपको ये पूरी वीडियो में सबसे अच्छा कौन सा ड्रेस लगा है डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में बताना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए। आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें, लव यू सेल्फ, बाय।